सोहे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय और फिर एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं ऐसे झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी, बीती हुई कहानी आपको पता है कि हम चेन्नई से आए थे। मेरे चैनल पे वीडियो ही अपलोड है कि जब मैं आ रहा था तो कितना निराशा के साथ वहाँ से आ रहे थे। और हमारा यहाँ आके लमसम 2 महीना हो चुका है। ये मेरा घर है, हम झारखंड के रहने वाले हैं और ऐसे हम बिहारी हैं। पर हम जब चेन्नई से आए थे तो कुछ माहौल ख़राब होने की वजह से हम तो चले आए थे, और आके जब भी हम आते थे तो 1 महीना रहते थे, मगर इस बार हम 2 महीना है, क्योंकि डर आदमी को क्या ना करा ले। तो 2 महीना हो गया है मेरा, अब हम जा रहे हैं। वहाँ का माहौल कुछ ठीक हो गया है, वैसा होता है ना कि सूत्रों के हवालों से मालूम चला है, उस तरह से मालूम चला है कि माहौल वहाँ सब कुछ ठीक है। तो अभी हम जाने वाले हैं चेन्नई, और ये मेरा घर है, और ये देखिए मेरा बेटी है। देखिए मेरा बेटी सोच रही है कि जाने के लिए क्या क्या कर रही है। देखिए हमको चप्पल ला के दी है, ये देखिए चप्पल ला के दी है, और खुद भी तैयार हो गई है, सोच रही है कि हम भी जाएंगे लेके इसको। बच्चा है, अभी हम आपको मिलाते हैं अपना भाई से। मेरा भाई देखिए हमारे हमको क्या प्रतिक्रिया देता है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरा भाई है, हम लोग दोनों सगा भाई है। देखिए देखिए मेरा भाई बोलता है क्या दोस्तों ये मेरा भाई है, और हम लोग 3 भाई हैं, इसमें से मेरा छोटा भाई ये है और हम है, ये मेरा बेटी है। तो मेरा भाई बोलता है हम लोग बहुत दिन से 2 महीना लमसम साथ रहे। मेरा भाई बोलता है कि अब रहो घर में, कुछ काम करो। तो हमको यहाँ थोड़ा इतना नॉलेज नहीं है घर पे काम करने का, बाहर में तो कुछ भी करके अपना जीवन चला रहे हैं, पर यहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोग को लगेगा कि बाहर में रहता था VIP बन के रहता था, यहाँ कैसा हो गया है। तो यहाँ का काम हमको समझ में नहीं आता है, तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर तो ये अब बहुत स्थिति ख़राब हो जाता है जब हम लोग काम नहीं करते हैं। और हम हर बार छुट्टी में 1 महीना बैठते थे, इस बार तो 2 महीना बैठे, तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों आज हम आज जा रहे हैं धनबाद से, मेरा गाड़ी है LP धनबाद, और हम अभी गाड़ी ट्रेन बैठेंगे चलेंगे, मेरा भाई भी हमको पहुंचाने के लिए जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हम संजय का भाई हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे घर पे अभी है, घर में माँ है, परिवार है, बाल बच्चा है, सभी लोग घर में रहते हैं, तो हम इसको बार बार समझाते हैं कि बाहर देश में अपने पूरे परिवार को छोड़ के रहना, वहाँ काम करना अच्छा नहीं है। और इसको ये भी बताते हैं कि वहाँ छोड़ दो और यहीं पे काम धंधा करो, कुछ जो भी कमाएगा अच्छा से रहेगा, बस यही समझाते हैं हमको। और हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई एक जैसा लगते हैं कि नहीं लगते हैं बताइएगा। ये थोड़ा माँ पे गया, हम अपना बाप पे गए हैं, मैं बाप का बेटा हूँ, ये माँ का बेटा है। तो चलिए अभी आपको बाप और माँ से याद आया कि अभी आपको हम अपने माँ से मिलाते हैं। हमारा माँ भी देखी है, दिखाते हैं अभी आपको हम, चलिए माँ से मिलते हैं दोस्तों, चलिए दोनों भाई मिलेंगे माँ से। तो ये मेरा घर है, देखिए एल्बेस्टर का घर होता है यहाँ पे, ये सब इस टाइप का घर होता है, दिख रहा होगा आपको इस टाइप का, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके बनाए हैं किए हैं, तो चेन्नई का कमाई से बनाए किए हैं करे हैं, इसी से गुजारा हो रहा है। ये देखिए मेरा घर में बकरी है, देखिए दिखाते अभी आपको मेरा घर में बकरी, ये देखिए बकरी है। जतरा बन गया, चला 650 ग्राम के तू पक्का खोज रानी हो जाए पक्का दाम दे, तू पक्का पैसा ले रही है कि कच्चा पैसा ले रही, पहले बताओ। बेटी है दोस्तों, ये मेरी माँ है, देखिए दोस्तों ये मेरी माँ है। अब हम लोग चेन्नई जा रहे हैं, अपने माँ से पूछते हैं। अच्छा हम रहते हैं तब अच्छा लगता है, हम चल जाते हैं तब अच्छा लगता है, अच्छा है। तो हम लोग रहते हैं, बहुत इंजॉय किए हम लोग, रहे मंदिर गए घूमने के लिए, अच्छा से रहे, अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं चेन्नई, कोई डर नहीं है वहाँ, ऐसा दिक्कत था तो इसीलिए पहले टेंशन था, उधर से सब जगह फ़ोन आता था तो थोड़ा दिक्कत लगता था, अभी सब ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी माँ है, और हम लोग
अब अभी हम जा रहे हैं, तो फाइनली दोस्तों हम लोग निकलते हैं और हम भी पूरा तैयार हो गए हैं। मेरा भाई हमको पहुंचाने के लिए जाएगा, तो चलिए अभी हम लोग चलेंगे झरिया बाज़ार चलेंगे, वहां से टेम्पू पकड़ेंगे और सीधे चलेंगे धनबाद रेलवे स्टेशन। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहे। घर से हम निकलते हैं और ये देखिए मेरा बच्चा मेरे से आगे आगे तैयार है भागने के लिए, सोच रहा है कि पापा हमको लेके जाएंगे। तुम जाके का करेगी बताओ ना, का करेगा वहाँ? काम बिगाड़ेगा। काम बिगाड़ेगा कि काम करेगा वहाँ? काम करेगा। काम करेगा हाँ। अच्छा ठीक है, तो तुमको लेके चलेगा। पहले वो चुमा दो, आए ना बा ना। अरे साला चलाक बच्चा है। चलिए तो चलिए हम लोग निकलते हैं फिर। देखिए ये देखिए दोस्तों, मेरा पत्नी है बहुत उदास है, जा रहे हैं हम लोग, 2 महीना साथ में रहे हैं। अरे हमको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा के बिना सब कुछ बेकार है। मेरी पत्नी है। और दोस्तों आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया हमको शॉर्ट्स चैनल पे, शॉर्ट्स वीडियो ये सब चैनल पे अपलोड है, तो देखते हैं आप लोग, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, ऐसा हमको ये लगता है कि हमको लोग जान रहे हैं, हम लोगों को जान रहे हैं, लोग हमसे दोस्ती हो रहा है, नए नए लोगों से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और ये देखिए हमारा बेबी तैयार है, खाने पीने का सामान इसमें है। और चलिए चल भी। फाइनली 51 घंटा के बाद, तो दोस्तों अभी हम लगभग 50 घंटा से ज़्यादा हम सफ़र कर चुके हैं और अभी हम तुरंत उतरे हैं। और ये देखिए अभी हम, ये मेरा देखिए ट्रेन है जिससे हम अभी उतरे हैं। और बहुत ज़्यादा थकान है क्योंकि 50 घंटा से ज़्यादा का सफ़र हो गया है। और अभी आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए कितना टाइम हो रहा है, 23:39 मतलब कि 11:40 हो चुका है और रात हो चुका है। अभी हम अपना रूम भी नहीं जा सकते, तो अभी हम यहाँ वेट करेंगे। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि हम कहाँ वेट करने वाले हैं। और बिल्कुल अपने बिहारी स्टाइल में है, ये देखिए इस हॉल के अंदर जाके हम वेट करेंगे। यहाँ पे लगभग सुबह 3 बजे तक हम यहाँ रुकेंगे। ये देखिए लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भीड़ रहता है यहाँ पर, सारे लोग अभी उतरे तो कहीं पर नहीं जाएंगे, अभी सारे लोग यहाँ पर ही वेट करेंगे। तो हम भी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में हैं और बाहर जाएंगे, कुछ देखेंगे ऑटो मिलता है या नहीं, नहीं तो भाड़ा ऐसे ज़्यादा लगेगा, नहीं तो हम यहाँ पे रात भर वेट करेंगे और उसके बाद जाएंगे, देखते हैं बाहर जाके। अभी आपको हम दिखाएंगे कि बाहर से चेन्नई सेंट्रल कैसा दिखता है। और ये देखिए माय गॉड कितना सारा भीड़ है, सारे लोग बैठे हुए यहाँ पर और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। बाहर का ये रास्ता है, हम बाहर आ गए हैं और बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही है, ये नेक्स्ट लेवल का है क्योंकि रात को 12 बजे ऐसा हर जगह नहीं होता है। चेन्नई तो भाई चेन्नई है, चेन्नई का तो कोई जवाब ही नहीं। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, व्यू जो है ना इसका मतलब लाजवाब है, मज़ा आ जाता है, लगता है कि हाँ कोई ऐसा जगह पे, लगता है टूरिस्ट पे आए हुए। तो काफ़ी मस्त लोकेशन है ये देखिए अभी आप। सो दोस्तों आपको ये व्यू कैसा लगा? फिलहाल इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।